दोस्तों, अमीर बनो दिमाग से, पैसा सभी बचा लो। जब बीमारी में लगेगा पैसा तो क्या बचाओगे और क्या कमाओगे। तो दोस्तों, छोटी सी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और छोटा सा समय आप जरूर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर एक, गर्मियों में कौन सा फल ज्यादा खाने से पेट की बीमारी कोई नहीं होती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जल्दी से कर दीजिए कि ऐसी जानकारी आप तक मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है पपीता खूब खाना चाहिए गर्मियों के मौसम में। इससे पेट जो है वो अच्छा रहता है, लीवर भी मजबूत रहता है और भूख भी लगता है। और गर्मियों के मौसम में खाना जो है वो बिल्कुल कम खाना चाहिए, इससे कोई प्रकार की बीमारी नहीं होती है। सवाल नंबर दो, शरीर गर्म हो जाए तो तुरंत क्या करना चाहिए बीमारी से बचने के लिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि शरीर गर्म हो जाता है तो सबसे पहले लकवा मारता है। दोस्तों, इसका सही आंसर है तुरंत चीनी पानी नींबू का शरबत पीना चाहिए शरीर गर्म हो जाए तो, या स्नान करें, नहीं तो शरीर गर्म होने के कारण लकवा या फालिस की बीमारी हो जाती है तो पैसा जो है उस सब लग जाता है, जितना कमाते हैं वो लगेगा। सवाल नंबर तीन, गर्मियों में ज्यादा कौन सा काम जरूर करना चाहिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी 2-3 मिनट की आप तक डायरेक्ट मिलती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्मियों के मौसम में स्नान खूब आधा घंटा करना चाहिए बीमारी से बचने के लिए। अगर बीमारी से नहीं बचना है तब तो कोई बात नहीं। दोस्तों, बीमारी से बचने के लिए अपने सेहत पे जरूर ध्यान दें, कहीं पर भी रहें तो जरूर ध्यान दें। दोस्तों, सवाल नंबर चार, गर्मियों में खाना में ज्यादा क्या खाना चाहिए। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि ऐसी जानकारी आप तक डायरेक्ट मिलती रहे बेगर समय गंवाए। दोस्तों, इसका सही आंसर है गर्मियों के मौसम में खिचड़ी खूब खाना चाहिए बीमारी से बचाने के लिए अपने शरीर को। दोस्तों, खिचड़ी जो है वो अच्छा बनाइए और हफ्ता में 2-3 बार खूब खाइए, इससे किसी प्रकार की बीमारी जो है वो गर्मी के मौसम में नहीं होगी। सवाल नंबर पांच, ठंडा के मौसम में ज्यादा कौन सा चीज नहीं खाना चाहिए भूल करके भी बीमारी होती है। दोस्तों, नहीं जानते हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब मेरे दोस्त जरूर कीजिएगा कि जानकारी आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, इसका सही आंसर है ठंडी के मौसम में जो है वो प्याज नहीं खाना चाहिए, खाना के ऊपर से बीमारी उत्पन्न हो जाती है शरीर में। दोस्तों, ये बात जरूर आप लोग दिमाग में बैठा लें। या चीनी पानी का घोल जो है वो ठंडा लगने लगे तो नहीं खाना है, उड़द का दाल भी नहीं खाना है, क्योंकि उससे अस्थमा जो है वो जोर हो जाती है। ठंडी के मौसम में सब्जी में जो है वो लहसुन जरूर डालना चाहिए और गर्मी में ज़्यादा प्याज डालना चाहिए, इससे बीमारी नहीं होती है। दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।